जैन फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम रोड। आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम रोड में स्वागत। दोस्तों आज के वीडियो में हम आप सबके लिए लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों टॉपिक। क्या लाए हैं दोस्तों? आप सबका दसवीं में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। दोस्तों आप सब यदि इस वीडियो को पूरा वॉच करते हैं दोस्तों, तो आपको क्लियरिटी हम दोस्तों एकदम दे देंगे कि दोस्तों आपको कितना नंबर चाहिए बोर्ड एग्जाम 2023 में। ठीक है, 2022-23 में दोस्तों बोर्ड एग्जाम में कितना दोस्तों आपको नंबर लाना है दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता देंगे। पूरा वीडियो वॉच के कहीं भी स्किप ना करिएगा दोस्तों, गारंटी के साथ दोस्तों आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। साथ ही साथ दोस्तों आप सबको फेल होने पर दोस्तों किस तरह से क्या करना है दोस्तों, सारा आइडिया भी इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। तो दोस्तों अब देर ना करते हुए दोस्तों आपको आइए हम बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप सबको बताएंगे यूपी बोर्ड परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हम आप सभी को बता दूँ, अभी यहाँ पे देखिएगा यूपी बोर्ड परीक्षा में पास होने के लिए अंक चाहिए, कितने अंक चाहिए दोस्तों देखिएगा। दोस्तों आप सबको बता दें यूपी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं और 12वीं में पास होने के लिए कुल दोस्तों आप सबको बता दूं, कुल आप सभी को 100% में से आप सभी को न्यूनतम ध्यान दीजिएगा दोस्तों 33% लाना अनिवार्य होगा अपने यूपी बोर्ड परीक्षा में पास होने के लिए। दोस्तों आप सबको बता दूं 100 नंबर में दोस्तों आप सबको कम से कम 33 नंबर लाना होगा, यानी दोस्तों 100 में 33% देखा जाए दोस्तों तो आप सबका 33 नंबर होता है। तो दोस्तों आप सभी को 33% आप सभी को मार्क्स लाना अनिवार्य है, यह दोस्तों आप सब बिल्कुल याद रखिएगा। अब दोस्तों हम आप सबको बता दें दोस्तों आप सबका, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों आप सबको बता दूँ क्या है, यूपी बोर्ड में हाई स्कूल के छात्रों को पास होने के लिए 100 अंकों में से न्यूनतम 33% अंक लाना अनिवार्य होगा, यानी दोस्तों 100 नंबर का यदि दोस्तों पेपर है तो आप सभी को दोस्तों आप पूरा का पूरा 33 नंबर लाना है। लेकिन दोस्तों आप सबको बता दूं 30 नंबर आपको दोस्तों कहां से मिलेगा, आप सबको दोस्तों 30 नंबर स्कूल की तरफ से जैसे कि आप सब जानते हैं दोस्तों वहाँ से मिलता है। और दोस्तों 70 नंबर दोस्तों आपका 20 नंबर का क्या होता है दोस्तों ऑब्जेक्टिव होगा, और दोस्तों 50 नंबर का थ्योरेटिकल, दोस्तों टोटल आपका यह 70 नंबर होता है। 70 नंबर का दोस्तों जो होगा पेपर उसमें दोस्तों आप सभी को 33% 70 का यदि दोस्तों 33% आप सब निकालेंगे तो आप सब दोस्तों यहां पे देखेंगे 70 का 33% दोस्तों आप सभी को हो जाएगा कितना, आप सभी का दोस्तों हो जाएगा लगभग दोस्तों आप सबका 23 नंबर आप सभी को लाना होगा। मेरे प्यारे बच्चों आप सबको बता दूँ कि आप सभी को 23 नंबर लाना होगा, 23 नंबर ध्यान दीजिएगा 23 नंबर आप सभी को लाना होगा। अब देखिए मेरे पास बच्चों आप सबको हर सब्जेक्ट में 23 नंबर लाना है। अब देखिए यदि छात्र को इससे कम अंक मिलते हैं, यानी 23 नंबर से कम अंक मिलते हैं तो उसको कंपार्टमेंट दी जाती है, उसको उस विषय में क्या किया जाएगा दोस्तों दोबारा परीक्षा देना पड़ेगा, फेल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे शर्त लागू है, एक विषय में यदि आप फेल होते हैं तो दोस्तों आपको कंपार्टमेंट लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा COM, ये लिख के दोस्तों यहाँ पे डॉट बना रहेगा। लेकिन दोस्तों यदि आप एक से अधिक यानी दोस्तों 2, 3, 4 ऐसे दोस्तों सब्जेक्ट में आप फेल होते हो दोस्तों तो आप सभी को कंपार्टमेंट नहीं लिखा रहेगा, लिखा रहेगा सीधे सीधे फेल, आप सब दोस्तों वहाँ पे फेल हो जाएंगे। दोस्तों फिर आपके पास केवल एक ऑप्शन बचेगा स्कूटनी का फॉर्म डालना। स्कूटनी फॉर्म में दोस्तों कुछ खास होता नहीं है दोस्तों, बस यही होता है कि एक दो नंबर से आप दोस्तों फेल होते रहेंगे तो आपका बढ़ जाएगा, अदरवाइज दोस्तों आपका नहीं बढ़ेगा। क्योंकि दोस्तों उसमें यही होता है कि कॉपी दोबारा चेक होती है कि आप सबका नंबर जो मिला है वो दोस्तों सही जोड़ा गया है कि नहीं, कहीं नंबर अंक छूटे तो नहीं है दोस्तों, इसलिए दोस्तों वहाँ पे चांस बहुत कम होता है कि नंबर बढ़े, क्योंकि दोस्तों जल्द गलतियाँ जल्दी टीचर से होती नहीं है। अब दोस्तों बता दें हाई स्कूल में यूपी बोर्ड हाई स्कूल के पेपर में 70 अंक का दोस्तों परीक्षा होता है, बोर्ड की तरफ से कराई जाती है, जिसमें छात्रों को कम से कम 23 अंक लाना होता है। अब देखिए यदि छात्र 23 नंबर से कम अंक पाते हैं तो उनको सब्जेक्ट में क्या किया जाएगा दोस्तों, फेल कर दिया जाता है। इसलिए आपको हाई स्कूल में सब्जेक्ट में दोस्तों कितना नंबर, 23 नंबर या इससे अधिक अंक लाना होगा, तभी आप यूपी बोर्ड परीक्षा में दोस्तों क्या हो सकेंगे, सफल होंगे। तो आई हो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मेरे पास बच्चों आप सबको बता दूं, अब यहाँ देखिएगा यूपी बोर्ड हाई स्कूल के सभी सब्जेक्ट में 30 नंबर अंक दोस्तों जो होता है वो दोस्तों स्कूल से क्या होता है आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दिया जाता है कि आपकी उपस्थिति कैसी रही, आपका वहाँ पर दोस्तों जो आने का या दोस्तों व्यवहार था टीचरों के प्रति, और दोस्तों वहाँ पे रहने का अनुशासित दोस्तों किस तरह से आप थे, इस सब को लेके दोस्तों आपका क्या पढ़ाई है। फिर वहाँ पे दोस्तों कुछ वाइवा होता है जैसा कि आप सब जानते हैं, आते हैं एग्जामिनर दोस्तों उसके अकॉर्डिंग कुल मिला के दोस्तों आपको कितना नंबर मिलेगा वहाँ से, 30 नंबर। ठीक है, अब दोस्तों वहाँ पे 30 नंबर में से दोस्तों आप सबको महज आपको 28, 27, 25 से दोस्तों ऊपर ही दिया जाता है, इससे कम नहीं दिया जाता है दोस्तों यहाँ पे मिल जाता है, जिससे दोस्तों क्या होते हैं बच्चे फेल नहीं होते हैं, पास होते हैं, आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दिया जाता है, जिससे छात्र क्या होते हैं दोस्तों फेल नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ का अलग होता है दोस्तों, 30 नंबर में आप कितना भी पास जाइए दोस्तों आप सब क्या होंगे, पास ही होंगे। लेकिन दोस्तों आप सबको 70 में 23 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लाना ही होगा। इसमें दोस्तों 23 नंबर में दोस्तों आप सब
कम लाए हैं दोस्तों, 22 लाए हैं, तो दोस्तों आप फेल होंगे। इसलिए दोस्तों आप सब अच्छे से देखिएगा, इस बार अच्छे से दीजिएगा पेपर, क्योंकि दोस्तों इस बार बहुत ही कड़ाई होने वाली है। आप सब अभी से लग जाइएगा, एग्जाम रोड दोस्तों मेहनत करा रहा है और आपके साथ जुट के दोस्तों मेहनत कर रहा है, तो आप सब अच्छे से लग जाइए, पढ़ाई में शुरू कर दीजिए। अब जो भी दोस्तों आपका सब्जेक्ट है 6 सभी पर दोस्तों फोकस बना लीजिए, आप पर्टिकुलर सभी पर दोस्तों अपना टाइम अलग अलग दोस्तों बांट लीजिए, किसको कितना समय देना है और उसको दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग पढ़िए। तो दोस्तों आई होप आप सब समझ गए होंगे। दोस्तों आप सबको क्या करना है कि बस दोस्तों अपना अच्छे शुरू करने के लिए, अच्छी दोस्तों अपनी तैयारी करने के लिए आप सबको क्या करना होगा दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करना होगा, जिससे दोस्तों हर एक वीडियो टाइम से आप सबको मिलती रहे, ठीक है। और दोस्तों अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। आप सबकी दोस्तों एग्जाम रोड पे बहुत बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है, कराई जाती रहेगी दोस्तों, आप सब टेंशन ना लीजिएगा पूरा। दोस्तों आप सबका बस 1.5 से 2 महीने में कंप्लीट, जनवरी के पहले दोस्तों आप सबका कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप सब समझ गए होंगे। आइए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।